हेलो, आज के इस भव्य सभागार में मैं हिंदी साहित्य की समस्त चेतनाओं के सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे मनोयोग के साथ हिंदुस्तान की संचेतना के ये जो पांच हस्ताक्षर इस मंच पर बैठे हुए हैं, एक बार भरपूर मन से आप भी स्वागत कर दीजिए। आयोजक गणों से मेरा निवेदन है कि जो लोग गैलरी में टहल रहे हैं, ये करीब एक डेढ़ घंटे का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में है, जिसके साथ एक विचार और लोकरंजन दोनों आप लोगों के बीच तक पहुंचे। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की व्यंग्यधारा के शीर्षस्थ हस्ताक्षर, जिसे पूरे देश और दुनिया संपत सरल के नाम से जानती है, ये यहां उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं एक बार भरपूर तालियों से आप संपत जी का स्वागत कर दीजिए। ये दाएं बाएं के जितने लोग हैं, थोड़ा सा जुड़ जाइए हमसे, आगे के लोगों की जिम्मेदारी भी है। कहा जाता है कि ये भारत मोहब्बत का देश है, लेकिन मोहब्बत जो कागजों में गाई जाती है और जिस मोहब्बत को पिछले कई दिनों से हम तार तार होते हुए देखते हैं, उसी मोहब्बत की इस धरती पर मोहब्बत और अदब की दुनिया का बड़ा शायर ताहिर फराज साहब यहां पर मौजूद हैं। ये मंच बड़ा धन्य है। इस मंच को बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। जिस मंच पर हिंदी के हस्ताक्षर बैठे हों और वहां ताहिर फराज बैठे हों, तो मुझे किसी शायर की पंक्तियां याद आती हैं कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे। उठाना दोस्तों जरा, इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस में एकता, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। अदब की दुनिया के बड़े शायर ताहिर फराज बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं उनके कद की तालियों से आप उनका सम्मान कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताहिर फराज साहब का। व्यंग के एक बहुत चुटीले हस्ताक्षर, जो हिंदुस्तान की व्यंग की दुनिया में अपना एक महनीय स्थान रखते हैं, ख्वाजा की नगरी अजमेर से चलकर देश दुनिया में जिस व्यक्ति को राज बिहारी के नाम से जाना जाता है, वे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। लाफ्टर फेम में भी आपने उनके विचारों को सुना होगा, उनके सम्मान में भी आप तालियां बजाइए। हास्य का एक और चुटीला हस्ताक्षर इन दिनों पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसे रमेश मुस्कान उपस्थित हैं, आप उनका भी सम्मान कीजिए। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी ठीक ठाक हूं, अगर आप चाहें तो आप मेरे सम्मान में भी तालियां बजा सकते हैं। सारे प्रांत के लोग यहां पर उपस्थित हैं, राजू भाई यहां बैठे हुए हैं, मेरी धरती जिनकी कर्म भूमि रही है, उनकी उपस्थिति से और मेरी उपस्थिति से एक चंबल का जो प्रतिनिधित्व था वो भी आज पूरा हुआ। ये छोटी सी टीम है, यहां से कविता और विचार आप लोगों के बीच में यात्रा करेंगे। ये समाज के सचेतक हैं, जैसा कि विषय बताया गया, इस पूरे अधिवेशन में हम एक घंटे से बैठे हैं और जो विषय उठाए गए वही विषय कविता की जिम्मेदारी के विषय हैं जिन्हें ये कवि उठाते हैं। मैं एक एक कर करके, समय की अपनी मर्यादा है, समय की अपनी एक पाबंदी है, मैं केवल आपसे इतना कहूंगा, जहां आपको कवि अच्छा लगे, उसकी बात अच्छी लगे, तो आप उसे यहां पर दाद दीजिए, आप उसे तालियां बजाकर उसका हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि कभी डॉक्टर कुंवर वेचन ने कहा, यहां नेहा जी बैठी हैं, इनके गीतों पर आप झूमे, यहां पर अन्य वक्ताओं की बातों पर आप झूमे, डॉक्टर कुंवर वेचन ने कभी कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है,
चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि छोटे से समय में जो कविता की पारी यहां पर खेली जाएगी, आप तन्मय होकर के पूरी एकाग्रता के साथ में इन कवियों को सुनेंगे। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं जिनका नाम रमेश मुस्कान है, जो हंसते खिलखिलाते आपके मन की बात कर देंगे और इतने हाजिर जवाब हैं। अभी पिछले दिनों मुझे मिल गए, बोले भाई साहब जब तक मैं घर ना जाऊं तब तक आपकी बहू खाना ही नहीं खाती। मैंने कहा बड़े भाग्यशाली हो, ऐसी पत्नियां आज तक कहां किसको मिलती हैं। बोले नहीं भाई साहब, जब घर जाऊं बनाऊं तो खाए।